हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मौशमी मिनी पार्क से और उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे से होंगे। तो फ्रेंड्स, कल मैं वैकेशन के लिए निकल रही हूं, तो जाने से पहले एक छोटी सी गार्डन टूर आप सभी के लिए। तो अभी मैं अपनी गार्डन पे एंटर किया और एंटर करने से मुझे ये लुक मिलता है जो कुछ खास नहीं है। तो ये है मेरे गार्डन की राइट साइड की हिस्सा जो बहुत ही जतन से, बहुत ही प्यार से मैंने सजा रखी है, जो आप सभी ने भी बहुत पसंद करते हो। और उधर है मेरे हैंगिंग गार्डन, जो बॉटल गार्डन प्लस कोकोनट शेल गार्डन। और इधर लेफ्ट साइड में मेरे गार्डन एक जंगल का रूप धारण कर लिया है और इस छोटी सी जंगल को आप सभी ने बहुत प्यार भी दिया है। तो मेरा ये पूरा का पूरा टेरेस गार्डन लंबाई में 30 फुट है और चौड़ाई में कुछ पोर्शन 12 फुट की है और कुछ पोर्शन 15 फुट की है। तो 12 फुट की पोर्शन वो जो है वो ज़्यादा लंबा है और 15 फुट की पोर्शन वो सामने वाला पोर्शन है। और इधर लेफ्ट साइड में देख सकते हो मेरे प्लांट्स ज़्यादा लंबा नहीं है और इसका कारण है इधर हमारे जो रोज के कपड़े वो सूखते हैं। और थोड़ी सामने जाने से ये एक गली दिखेगा और ये गली मैंने क्रिएट करा है इसलिए ताकि मैं चाहती हूँ मेरे गार्डन में लोग आते हैं तो एकदम से मेरे गार्डन दिख जाए, वो नहीं चाहती थी। कुछ मिस्ट्री बनाने के लिए ये गली मैंने क्रिएट करा है। तो यहाँ से मैं ऊपर टेरेस पे जा सकती हूँ सीढ़ी से और देखो मेरे दोलन चंपा इसके पत्ते सूख रहे हैं धूप में। तो इधर जो गार्डन है वो सामने से नहीं दिखता है, इधर आने से दिखता है। और इधर आने से दिखता है इसका मतलब ये नहीं कि मैं जैसे तैसे करके मैं इस जगह को रखी है। इस जगह में जो प्लांट्स मैंने रखी है ज़्यादातर मेरे गार्डन की बड़े बड़े प्लांट्स मैंने रखी है क्योंकि इधर बहुत धूप पड़ते हैं और कुछ छांव पड़े इधर, ताकि मैं मेरे शेड लविंग प्लांट्स भी इधर रख सकती हूँ। तो ऐसे मैंने मेरे बड़े बड़े प्लांट्स रखी है और वो मेनली चंपा है, नाग चंपा और सफ़ेद चंपा, मैरून वाले चंपा, सब चंपा एक साथ मैंने रखी है। और अगर आप चाहो कि आपके गार्डन में भी बड़े बड़े प्लांट्स हो तो सबसे पहले जो प्लांट आप लोगों को चुनना चाहिए वो है चंपा। चंपा को ज़्यादा दिन नहीं लगते हैं एक बड़ा सा बीक सा ट्री बनने में। तो इधर है मेरे कोकोनट शेल प्लांटर हैंग किया हुआ और ये पोर्शन एक 4 लेयर्ड गार्डन मैंने बना रखी है, ऊपर से लेके नीचे तक 4 लेयर है। तो ये है मेरा टोटल गार्डन और ये सब मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि बहुत कमेंट्स मुझे मिलते रहते हैं मेरे गार्डन को लेके। उनमें से एक कमेंट मुझे ज़्यादा मिलते हैं कि मौशमी जी, आपकी गार्डन बहुत खूबसूरत है, हमारे पास भी गार्डन है लेकिन इतना खूबसूरत नहीं है। तो जब मैं वो कमेंट पढ़ती हूँ खुश तो हो जाती हूँ लेकिन साथ में बहुत दुख भी लगता है क्योंकि वीडियोज़ अपलोड करते हुए मुझे लगभग 2.5 साल हो चुके हैं। तो फ्रेंड्स, अब तक तो जान जाना चाहिए था कि एक मामूली सी गार्डन को एक ब्यूटीफुल सी ड्रीम गार्डन कैसे बनाया जा सकता है जैसे मैं बना रही हूँ। तो मेरे गार्डन में आप लोग नोटिस कर सकते हो कि ज़्यादातर प्लांट्स रेयर प्लांट्स नहीं हैं, वो आप लोगों को नर्सरी में आसानी से मिल सकते हैं। तो इन प्लांट्स को ही मैंने कुछ इस तरह डिस्प्ले किया हुआ है ताकि इसकी जो खुद की जो खूबसूरती है वो एकदम उभर के आए। तो प्लांट डिस्प्ले करना ये एक आर्ट है मुझे लगता है। कैसे करके आप अपनी प्लांट्स को डिस्प्ले करते हो इससे आपकी गार्डन की लुक घट सकते हैं या बढ़ सकते हैं। तो
तो जब भी आप अपने प्लांट्स को सजाओगे अपने गार्डन में, तो ये बात को ध्यान में रखते हुए सजाओगे कि कौन सी प्लांट्स कैसे दिखती है, कौन सी जगह आपकी गार्डन की, कौन सी प्लांट्स की ज़रूरत है उस जगह को कवर अप करने के लिए, तो ये सब ध्यान में रखना पड़ता है, जो मैं पहले नहीं जानती थी ज़्यादा, लेकिन करते करते ये सब मुझ में डेवलप हुआ है। तो आज मैं जानती हूँ कि मेरे गार्डन की कौन सी कॉर्नर कैसे दिखेगा कौन सी प्लांट रखने से। तो इस तरह मैं मेरे गार्डन की प्लानिंग कहो या डेकोरेशन कहो, ऐसे ही मैं करती हूँ। तो ये छोटी छोटी बात को अब अगर ध्यान में रखो तो अपना गार्डन एक ड्रीम गार्डन बन सकता है। तो चलते चलते मैं कुछ क्लिपिंग्स मैं दिखा रही हूँ मेरे गार्डन की, ताकि आप लोग ये पॉज कर करके देख सकते हो कि कौन सी जगह में कैसी मैं डेकोरेशन किया हुआ है, उसकी जो डिटेलिंग वो आप देख सकते हो। तो आपकी मदद के लिए मैं मेरे गार्डन की बेहतरीन सब पिक्चर्स अभी मैं दिखा रही हूँ आप सबको। तो होप करती हूँ ये आप लोगों को अच्छा लगेगा और आप लोगों को काम में भी आएगा। तो फ्रेंड्स, आप लोग एंजॉय करो, तो मैं विदा लेती हूँ। ओके, बाय, टाटा।